हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रूट क्रीम की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो आप इस रक्षाबंधन पर इसको ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको दो तरीके से फ्रूट क्रीम बनाना बताऊँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने व्हिप्ड क्रीम को ले लिया है। अब मैं इसे बीटर से बीट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं, और यदि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और इसको फिर से एक बार चलाएंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने से बहुत जल्दी से क्रीम बीट हो जाती है। अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसे मिक्स कर देंगे। अब आपके पास जो भी फ्रूट कटे हुए हो, जो भी अवेलेबल फ्रूट है, आप उसे काट के डाल सकते हैं। जैसे इसमें सेब डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, जो भी आपके फ्रूट्स अवेलेबल हैं। आजकल मैंगो आ रहे हैं तो मैंगो भी काट के डाल सकते हैं। अब मैं इसमें अनार भी डाल रही हूँ, और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी, सब डाल सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छे लगते हो। और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए रखेंगे 1-2 घंटे के लिए, और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। अब मैं 2 बॉल लेके इसमें सर्व कर रही हूँ। अब हम ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा। और इसे अनार से गार्निश करेंगे, बीच में चेरी रख देंगे। हम इसमें, यदि हमारे पास टूटी फ्रूटी हो तो आप इसे उस ऐड कर सकते हैं इसमें, इससे और बढ़िया लगती है। बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। मेरे पास रेड और ग्रीन थी तो मैंने दोनों को डाल दिया इसमें। बढ़िया सी फ्रूट क्रीम तैयार हो गई है। अब मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ। इसके लिए मैंने मलाई को फेंट लिया था और इसमें पिसी हुई चीनी डाल ली थी। अब मैं इसमें कटे हुए फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, केला, सेब, आम और थोड़े से अनार। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, थोड़े से काजू, थोड़ी सी चिरौंजी, और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। 2 बोल में निकाल रही हूँ इसे। मलाई से बनाने में फ्रूट क्रीम उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है जितना कि क्रीम से आता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मलाई को ज़्यादा मत फेंटिएगा और ऊपर से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डाल के सर्व करिएगा। बहुत ही बढ़िया फ्रूट क्रीम बनेगी घर में बने सामान से ही। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।